शीर्षक है क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया ये हमारा ड्रीम इंडिया। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह हमारा तेरा गलियों में घूम चुका हूँ, अभी तक कूड़ा बाहर किसी ने डाला नहीं। जब चले जाऊंगा तो यहाँ कूड़ों के ढेर मचा देंगे। ये क्यों मुझ गरीब के पेट पर लात मार रहे हैं? कूड़ा गलियों में ऐसा डाला बदबू ने ले ली मेरी जान, बदबू से परेशान। स्वच्छता का करो पूरा पालन, स्वच्छ रहे हर हर आंगन। ओ भाई एकदम से इन्होंने जज्बात बदल दिए, अरे हालात बदल दिए, अरे कचरा बदल दिया। ओ भाई मारो मुझे मारो मारो। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो? अंकल हमारे चॉकलेट खत्म हो गए थे इसलिए रैपर फेंक दिया। अरे बेटा गलत है भाई, कूड़ा तो कूड़ेदान में ही जाता है, स्वच्छता का पालन करो, समझे? समझ गए अंकल, अब से कूड़ा कूड़ेदान में डालेंगे। हाँ, जानते हो ये क्यों जरूरी है? क्यों बेटा? आप सबका घर है ये देश, अपना घर भी साफ रखते हो ना? अरे ये देश हमारे उन वीर जवानों से बना है जिसकी माटी को साफ रखने के लिए वो अपना खून दे गए, अपना परम बलिदान दे गए। अरे समझो, अगर हम ही इस देश को स्वच्छ नहीं रखेंगे उनका अपमान है ये, समझे? समझ गए अंकल। हाँ, अब एक बात का ध्यान रखना, कूड़े भी दो प्रकार के होते हैं। वो कैसे? एक जो होता है गीला कूड़ा जो जाता है हरे डस्टबिन में जिससे खाद बनाई जाती है, और दूसरा जो होता है सूखा कूड़ा जो जाता है नीले डस्टबिन में जिससे रिसाइकल करके और चीजें बनाई जाती हैं, समझे? समझ गए अंकल। हाँ, ये सीख घर जाके अपने दोस्तों को, अपने साथियों को और अपने परिवार को भी दो, समझे? समझ गए अंकल। और जन जन ने ये ठाना है भारत को सच बनाना है, जन जन ने ये ठाना है भारत को सच बनाना है, जन जन ने ये ठाना है भारत को सच बनाना है, जन जन ने ये ठाना है भारत को सच बनाना है, जन जन ने ये ठाना है भारत को सच बनाना है, जन जन ने ये ठाना है भारत को सच बनाना है। चलो इस घर का और इंस्पेक्शन कर लेते हैं। नोक नोक जाके देख कौन है। जा रही हूँ। आप यहाँ आए किस लिए? क्या आपको बुलाया इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए। पहले आप मम्मी को बुलाइए। मम्मी कोई आए हैं आपको बुला रहे हैं? आ रही हूँ। क्या काम है, किससे मिलना है? बहन जी इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। कैसा इंस्पेक्शन? सरकार द्वारा चलाया गया हुआ स्वच्छ भारत प्रोग्राम के तहत हम आपके घर का इंस्पेक्शन करने आए हैं। आइए अंदर आइए। कौन कौन है आपके घर में? हमारे घर में पांच लोग हैं। क्या हुआ अम्मा? बेटा कोई मेरी केयर नहीं करता। आप इनकी केयर नहीं करती? ये तो मेरी केयर नहीं करते, टाइम से केयर नहीं करते। बहू मेरे पीछे पीछे आंदी ना, बहू मेरे पैर दबाउंदी ना, ये तो मेरी केयर नहीं करते, टाइम से केयर नहीं करते। चलो और कौन कौन है आपके घर में? आइए आइए इधर आइए। क्या काम करते हो आप? खेती करते हैं साहब। कितना पढ़े हो? साहब इस घर में सब ज्यादा कुल्ली फाइट आती, मैं यूं तस्वीर फेल। वेरी गुड सर। ये देखो, अरे ये कैसा कूलर है? मेरा घर मेरी मर्जी। आप इसका पानी बदलती है कि नहीं? रोज बदलती हूँ मैडम जी। नहीं बदलती है, मम्मी झूठ बोल रही है, महीने में बस एक बार बदलती है। इसके देखिए कितने गंदे मच्छर है इसमें। अच्छा सारे मच्छर मच्छर सारे मच्छर। अरे साहब इनका चालान काटना पड़ेगा। बिल्कुल सर, काटो काटो। जाइए लग डला मेरा चालान। अरे कोई समझाओ, अरे कोई समझाओ। क्या हुआ
भाई, इतना शोर क्यों आ रहा है आपके घर से? अरे मैडम जी, हम कोई बस इतना कह रहे हैं कि मच्छर हमारे, पानी हमारा, कूलर हमारा, इन्हें पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। हमें दिक्कत हो रही है हमारे सरकार की तरफ से। इनका घर देखो कितना गंदा है, कूलर भी देखो कितना गंदा है, ऊपर से इनकी दादी बीमार रहती है, इनका चालान ना कटे। भाई आपका चालान कटना जायज है, आपके घर की हालत देखिए, आपका घर कितना गंदा हो रहा है। आपकी दादी बा बीमार है, वो बीमार है, वो चार को बीमार करेंगे, वो चार और चार को बीमार करेंगे। तो आपसे यही निवेदन है कि आप अपने घर में स्वच्छता बनाए रखें, एक कदम स्वच्छता की हो। चलान तो कटवाना पड़ेगा तुम्हें। इस बात छोड़ दे साहब, आगे से ध्यान रखिए। बेटा दादी की बात मान ले, अगली बार तुम्हारा साफ रहेगा। क्या किया जाए साहब? अम्मा की बात मान के देख लेते हैं। ठीक है चलो, इस बार वार्निंग देके छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब। ठीक है, राम राम। वैसे आप कहते हो कि बाहर स्वच्छता होनी चाहिए, अगर आपका खुद का घर ही नहीं साफ रहेगा तो बाहर कैसे स्वच्छता रखोगे? घर में ना मैदान में कूड़ा कूड़ेदान में, 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 घर में ना मैदान में कूड़ा कूड़ेदान में। हैप्पी बर्थडे ज्योति। थैंक यू भैया। कैसी हो? बढ़िया। आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, तो क्या प्लानिंग है जन्मदिन पे तुम्हारी? प्लानिंग की तो छोड़िए भैया, नहीं तो दिन बैठने में बिछे नहीं गया। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, वो कर देंगे। मेरा कोई जरूरी काम है, मैं करके आता हूँ। ओके भैया। आज हमारे फ्रेंड का बर्थडे है, याद है तुम्हें? हाँ मुझे याद है, आज ज्योति का बर्थडे है। हाँ हाँ मुझे भी याद है। चलो से विश करके आते हैं। चलो। टिंग टिंग। देखो ज्योति को यहाँ गेट पे। ओके भैया। टिंग टिंग। इससे बढ़िया गिफ्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। सेव ट्री सेव लाइफ, ये पेड़ी तो है जो हमें इतने सारे संसाधन देते हैं। ये पेड़ी तो है जो बड़े होकर हमें छांव देते हैं। ये पेड़ी तो है हमें जो जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। ओके भैया, आप कहते तो मैं मान भी लेती हूँ, वैसे भी मेरे फ्रेंड्स में ही मेरी खुशी है। चलो फिर इस दिन को यादगार बनाने के लिए एक पौधा लगाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, पेड़ पौधे हैं तो तुम लगाओ जी, ऐसे ही हरियाली फैलाते रहोगे, इसको भी आगे बढ़ाओ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, नए तरीके से जन्मदिन मनाओ। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, नए तरीके से जन्मदिन मनाओ। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, नए तरीके से जन्मदिन मनाओ। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, नए तरीके से जन्मदिन मनाओ। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, नए तरीके से जन्मदिन मनाओ। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, नए तरीके से जन्मदिन मनाओ। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, नए तरीके से जन्मदिन मनाओ। भेलपुड़े भेलपुड़ी वाले, भेलपुड़ी भेलपुड़ी भेलपुड़ी, 10 की 20 की 30 की मसालेदार तड़कदार भेलपुड़ी भेलपुड़ी भेलपुड़ी। अरे भैया कैसे लगाई? 10 की 20 की 30 की भेलपुड़ी। अरे 20 की लगाओ यार। बिल्कुल ये लो भैया जी। अरे धन्यवाद। अरे भैया नमक तो डालो। बिल्कुल डालते हैं, ये लो भैया जी। अरे भैया नींबू तो डालो। अब क्या 20 रुपए में हमारी जान लोगे क्या? अरे भैया, अरे सुना है सरकार ने एक अभियान चलाया है। क्या है वो? अरे भैया आपको नहीं पता सरकार ने क्या अभियान चलाया है? नहीं। सरकार ने स्वच्छता अभियान के ऊपर एक कार्यक्रम चलाया है, वो कार्यक्रम गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए चलाया है, जिससे देश में स्वच्छता बनी रहेगी। बहुत बढ़िया है भाई, देश की तरक्की होगी, देश स्वच्छ होगा, देश आगे बढ़ेगा। बहुत ही बढ़िया अभियान चलाया है, मजा आ गया। ठीक है भैया मैं चलता हूँ। अरे 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 भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और आप अभी यहाँ पर कूड़ा फैला कर जा रहे हैं। अरे भैया अभी नया नया चालू है, धीरे धीरे लोगों में जोश आएगा, देशभक्ति होगी, जब हमें भी देशभक्ति आएगी हम भी कर लेंगे। ठीक है भाई। अरे भैया इसको काम तो कर जाओ। हे राम कितनी गंदगी, इसे देखकर तो मेरी भूख ही मर गई। अरे मैडम रुको, मैं इसको साफ कर देता हूँ। नहीं नहीं रहने दो। अरे रुको 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 मैडम, मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं मुझे नहीं खानी, रहने दो। अरे भैया
हाँ भैया, क्या कर दिया यहाँ से उठा के वहाँ डाल दिया? सही तो फेंका है। अरे आपको पता नहीं है क्या? क्या भैया? दिल्ली सरकार ने स्वच्छ भारत के तहत कूड़े की गाड़ियाँ चलवा रखी है। तो मैंने कूड़ा वहीं पे तो फेंका है जहाँ पे फेंकने की जगह है। तो कृपया कर उस गाड़ी का प्रयोग करे, कूड़ा उसी में डाले। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कृपया कर उस गाड़ी का प्रयोग करे, और यह गाड़ी आपके गली मोहल्ले हर सुबह रोज सुबह आती है, तो कृपया कर इसका गाड़ी का प्रयोग कर कूड़ा उसमें डाले। दिल्ली नगर निगम आपके द्वार, आप अपना करना, ये आपका अपना क्षेत्र है। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। सुनो सुनो भाई सुनो 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 सुनो सुन